ईआरसीपी को लेकर पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी भरपूर भुना रही है। एक ओर जहां शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के दिग्गज ईआरसीपी के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दौसा में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्वी राजस्थान का एक मुद्दा है 2016 से ईआरसीपी, और ईआरसीपी की मोदी जी दो बार घोषणा कर गए राजस्थान में आकर लोकसभा चुनाव से पहले, और उसको आकर उन्होंने रोक रखा। और हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित, हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जबकि इस परियोजना को पूरा करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस काम को रुकाने के लिए, राजस्थान का ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है उसको रोका जाए, इसके लिए याचिका दायर की है। और जो हम काम कर रहे हैं अभी ईआरसीपी 23,000 करोड़ लगा के उसको रोकने के लिए उन्होंने वहां रिट दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को हम भी वहां पर उसका क्रॉस करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी का काम रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश सरकार का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने बिना मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति लिए अपने स्तर पर ईआरसीपी का काम शुरू कर दिया है, और ऐसा करने से मध्य प्रदेश को उसके हक का पानी नहीं मिल सकेगा। आपको बताते चले कि पूरी राजस्थान में कांग्रेस भले ही मुद्दा ईआरसीपी को बनाना चाह रही हो, लेकिन वो इस मुद्दे को अपने बड़े नेताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में भी है। प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम सिकराय के कांदोली में कराया जा रहा है। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, यहीं पर विश्राम भी किया था, इसीलिए इस स्थल को चुना गया है। यहाँ पर अधिक लोगों के जुटाने की जगह भी है। प्रियंका गांधी 20 तारीख को दौसा के कांदोली में आने वाली है। आप सामने जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये बड़ा डोम लगाया जा रहा है, कुर्सियां आ चुकी हैं, 50,000 कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश एक ही है कि पानी के मुद्दे को किसी भी प्रकार से बुनाया जाए, चाहे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और पानी के नाम पर इस बार वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी की जा रही। आशीष शर्मा, न्यूज 18, कांदोली, दौसा। और जल्द ही जयपुर को अब एशियाई शेरों का नया